हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल फेस वैक्सिंग, जो आप लोग काफ़ी दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। और जिस प्रोडक्ट के साथ मैं आज मैं आप लोगों को फेस की वैक्सिंग कर दिखाऊंगी वो है रीका वैक्स। रीका वैक्स दो तरीके की होती है, एक होती है रीका ब्राज़ीलियन वैक्स और एक होती है रीका जो नॉर्मल रीका वैक्स होती है, जो आप अपनी जो पट्टी होती है मतलब स्ट्रिप्स होती हैं उनसे कर सकते हैं। लेकिन जो रीका ब्राज़ीलियन वैक्स होती है वो नॉन स्ट्रिप्स वैक्स होती है, मतलब इसको आप पील ऑफ कर सकते हैं, ये पट्टी के साथ में नहीं होती है। तो ये एवोकाडो फ्लेवर में है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आज। किस तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों को मेरे चैनल पर फेस वैक्सिंग की काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिएगा। काफ़ी लोगों को दिमाग में ये होता है कि रीका वैक्स हमारे फेस को नुकसान देती है और बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है हमारी स्किन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है डियर। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं आप लोगों को किस तरीके से सेफली ये वैक्स कर दिखाऊंगी। तो देखिए आप इनका फेस देख सकते हैं, इनके फेस पर काफ़ी पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है और मतलब काफ़ी सेंसिटिव स्किन है इनकी, बट ये इस स्किन पर भी बहुत ईजिली हो जाएगी। तो हमने ये पहले गर्म करा ली है। आप कभी भी पूरा जो रीका वैक्स का डिब्बा होता है उसको पूरा गर्म ना करें, थोड़ी थोड़ी वैक्स अपना हीटर में निकालें। और नॉर्मल हीटर इसमें यूज़ होता है, जिस तरीके के हीटर हम लोग वैक्स हीटर यूज़ करते हैं वैक्स करने के लिए, उस टाइप के आप नॉर्मल वैक्स हीटर में इसको निकाल लीजिए। और उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो आपको ये बहुत ईजी होगा करना। बार बार अगर आप इसके पूरे डिब्बे को गर्म करेंगे तो ये वैक्स बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएगी, बार बार हीट के साथ में बार बार गर्म होगी तो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको इसको छोटे से छोटे या बड़े जिस तरीके का भी आपके पास वैक्स हीटर हो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं इसको इतना ठंडी ये होनी चाहिए, मतलब जिस भी स्पैचुला से हम इसको लगाने वाले हैं उस पर से ये बहुत आराम आराम से गिर रही है। इसका टेक्सचर जो है वो इस तरीके का होना चाहिए। और इसको करने से पहले आप कोकोनट ऑयल फेस पर लगा लें एक बार। इनकी स्किन पर मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है वैक्स करने से पहले, पाउडर वगैरह नहीं लगाया है, ओनली फॉर कोकोनट ऑयल लगाया है। और मैं इनके फेस पर छोटे छोटे से पार्ट बनाऊंगी और उसके बाद मैं इस वैक्स को करती चली जाऊंगी। ये वैक्स आप लोगों को हाथ से बस आप लगाएंगे और इसको इस तरीके से देखिए पुल करते चले जाइए बहुत इजीली। जितने भी आपके फेस पर फेशियल हेयर हैं वो सबको ये रिमूव कर देगी। आप इसकी एप्लीकेशन दो या तीन बार भी कर सकते हैं ईजिली एक पार्ट पर, ये क्योंकि पील ऑफ वैक्स है तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आपके बाल रह जाएँ थोड़े बहुत तो आप उसी स्किन पर एक बार और लगा दीजिए और दोबारा से इसको करिए, तो जो बाल रह गए हैं वो आपके निकल जाएंगे। और नॉर्मल जो फेशियल हेयर होते हैं मतलब बहुत हल्के वाले, जैसे कि इनके मेरी क्लाइंट के फेस पर ओनली फॉर फेशियल हेयर हैं हल्के हल्के, तो ये आपके एक ही बार में निकल जाएंगे। बट अगर आपका बाल काफ़ी हार्ड हो, कुछ लोगों के फेस पर काफ़ी हार्ड बाल आता है तो वो अगर हो तो वो आप इस पर डबल एप्लीकेशन इसकी करिएगा तो वो भी इजीली निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से ये वैक्स की आपको छोटे छोटे से पार्ट बनाने हैं। डायरेक्शन का बालों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिधर की साइड आपका बाल हो उधर को वैक्स लगाइए और उससे अपोजिट साइड को पुल करना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, और छोटे छोटे पार्ट बनाइएगा। अगर आप इससे छोटे भी बना पाएँ तो इससे छोटे भी बना लीजिएगा। मेरे को क्योंकि काफ़ी साल हो गए हैं ये सब कुछ करते हुए तो मैं ज़्यादा छोटे पार्ट नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं ईजिली उतार देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, इतने बड़े पार्ट उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो आप बहुत छोटे छोटे पार्ट बनाइएगा फेस के और इजीली इसको करते चले जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी वैक्स अगर हम फेस पर करें या किसी भी बॉडी के पार्ट पर करें तो पेन तो ज़रूर होता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपको वैक्स होगी आपके और आपके पेन नहीं होगा। जब आप लोग हाथ पैर पर या वी वैक्स या अंडरआर्म्स वगैरह भी कराते हैं तब भी आपके पेन होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि फेस तो बहुत ही सेंसिटिव जगह है, तो वहाँ तो अगर आपके फेशियल हेयर निकलेंगे वैक्सिंग के थ्रू तो जाहिर सी बात है दर्द होगा। तो प्लीज़ ये कमेंट तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि क्लाइंट के दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो होती हैं। वैक्सिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पेनलेस चीज़ हो, इसमें थोड़ा पेन तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप रेज़र वगैरह से कर लीजिए। अगर आपको पेन बर्दाश्त नहीं है तो आप रेज़र वगैरह करिए, उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंने ये इतने छोटे छोटे पार्ट में मैं इनके पूरे फेस पर वैक्सिंग कर रही हूँ। और डायरेक्शन का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वैक्स के गर्म ठंडे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने बहुत गर्म वैक्स लगा दी तो आपकी स्किन को ये पील कर देगी। आपको वैक्स के जो टेक्सचर है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि कितनी गर्म और कितनी ठंडी लगाएं। अब मैं आपको वीडियो में इतना ज़्यादा गर्म ठंडे को कैसे दिखाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आता है।
तो प्लीज़ एक बार ना वीडियो को सही से देखा कीजिए कि मैं कितनी गर्म लगा रही हूँ। आप लोग देख सकते हो बिल्कुल मतलब फेस पे फील भी नहीं हो रही थी मेरे क्लाइंट को, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रही थी मेरे क्लाइंट को फेस पर, क्योंकि मैं बार बार पूछती हूँ ये चीज़। मैं जब भी वैक्स करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि आपको ये ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रिप्स में इनका फुल फेस हो गया है, और इसके बाद जब हम लोग पूरी वैक्सिंग कर दें तो प्लीज़ आफ्टर वैक्सिंग लोशन ही यूज़ करें। इसके अलावा या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर वैक्सिंग लोशन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके क्लाइंट के फेस पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही किसी तरह कोई एलर्जी होगी, ना ही कोई दाना वगैरह निकलेगा, और आपकी स्किन अगर जहाँ से भी थोड़ी बहुत रेड वगैरह हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कहाँ मिलता है, तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, जहाँ पर आपको रिका वैक्स मिलेगी वहीं पर ये भी इजीली मिल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। काफ़ी सेफ़ वैक्स है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आपके फेस को नहीं करती है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।